आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सी ब्लॉक के अंदर 125 गज का एक बिल्डअप फ्लोर, और ये वाली प्रॉपर्टी के अंदर आपको अपर ग्राउंड और टॉप फ्लोर दोनों मिलने वाले हैं। मेरा नाम विवेक शर्मा है। और मेरा नाम अंकुश गई है। आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। हमने एंट्री ली है इस फ्लोर के ड्राइंग रूम के अंदर, और ड्राइंग के अंदर जाते ही हमें वेलकम करती है ये फीचर वॉल। फीचर वॉल के अंदर पूरा का पूरा काम, नीचे से लेके सीलिंग से लेके ऊपर तक पूरा का पूरा जो काम है, लूबस का काम हुआ हुआ है, और लूबस के अंदर इंट्रीकेट काम हुआ हुआ है बहुत, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। और साथ में उसके साथ पूरी की पूरी वर्टिकल प्रोफाइल भी दी हुई है। प्रोफाइल के साथ कमरे की अट्रैक्शन अलग से ही देखने को मिलती है, और उसके साथ फिर एक यहाँ पे हैंगिंग लाइट्स भी लगाई हुई है। हाइट के अंदर डिसेंट सी, सिंपल सोबर सी जो है हमारी यहाँ पे सीलिंग हुई हुई है, और सीलिंग के अंदर भी प्रोफाइल है, और उसके साथ ही मैचिंग फैंस दिए हुए हैं। आप ये देख सकते हैं कि कमरे के अंदर क्योंकि लाइट कलर हुआ, उसकी वजह से पूरा कमरा बहुत बड़ा लग रहा है। और साथ में फिर यहाँ पर ये आ जाता है, फ्लू डिजाइन का बैक वॉल है, और उसके ऊपर एक डिसेंट से कलर के साथ, कलर कॉर्डिनेशन के साथ एक LCD पैनल, सिंपल सा मगर बहुत डिसेंट सा दिया गया है। और यहाँ पे हमें थोड़ी सी जगह दी गई है फ्रिज की, और यहाँ से हमारा किचन स्टार्ट हो जाता है। और किचन के अंदर आते ही हमें लगता है कि यहाँ पे काफी बड़ा स्पेस हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है, क्योंकि एक L टाइप की हमें यहाँ पे किचन देखने को मिल रही है। देन हमारे पास कलर कॉम्बिनेशन की कोई कमी नहीं है इस किचन के अंदर। चिमनी आपको लगी लगाई मिल रही है, यहाँ पे नीचे आपने हॉब लगाना है, और यहाँ पे वेंटिलेशन की कोई दिक्कत नहीं है। सामने विंडो मिल जाती है हमें UPVC के साथ, और ऊपर एग्जॉस्ट फैन। देन हमारा नीचे ही आपके पास यहाँ पे यूटेंसिल रैक है पूरा सिंक के साथ, और इस चीज का पूरा ध्यान रखा हुआ है आपका पूरा। देन हमारे पास यहाँ पे एक पेंट्री यूनिट आ जाती है, जिसको देखते ही हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर छोटा सामान रखना है तो छोटा भी आ जाएगा, बड़ा करना है तो इसको निकाल के हम बड़ा भी कर सकते हैं। तो ये पूरी बेनिफिट हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। देन इस किचन के बाहर आते ही हमारे पास एक कॉमन वॉशरूम मिल जाता है, जिसके अंदर जाते ही हमें फुल वॉल टू वॉल टाइल्स मिलती है पहले तो, देन मिरर है, और काफी अच्छे साइज का ऊपर रेन शावर में लगा हुआ है, और वॉशरूम काफी अच्छे साइज का है ये वाला। और ये वाले बेडरूम का जो साइज है काफी बड़ा मिलता है आपको 125 गज के हिसाब से। सारी बेड वॉल, फ्यूचर वॉल सारी हमारी यहाँ पे रेडी मिल रही है ब्यूटीफुल लैम्प के साथ। देन हमारे पास लोअर्स लगे हुए हैं सारे, और मेरे को लगता है कि इसके साथ हमें जो वार्डरोब का जो हमें बेनिफिट मिल रहा है वो काफी अच्छा है इसके साथ, राइट। और टीवी पैनल मिल जाता है हमें इसके साथ, और काफी कलर कॉम्बिनेशन है सारे, और मेरे को लगता है कि ये सारे लॉन्ग पैनल्स काफी रॉयल लुक देने वाले हैं इस वाले बिल्डर फ्लोर को। तो अब हम चलते हैं अपने पीछे वाले बेडरूम्स की तरफ, जहाँ पे हमारा पीछे दो बेडरूम्स हैं, जिसमें से एक का साइज कुछ थोड़ा सा बड़ा है, और फिर वही यहाँ पर भी फीचर वॉल दी गई है, और सब में अलग अलग कॉम्बिनेशन दिया गया है। यहाँ पर भी एक बहुत अच्छा चारकोल की फिनिशिंग अंदर है, और इसके अंदर बहुत अच्छा यूनिक रोज गोल्ड का काम हुआ हुआ है, और उसके साथ उतनी डिसेंसी ऊपर एक लाइट लगी हुई है, साथ में स्टेप वाला POP की सीलिंग है, और सीलिंग की भी हाइट बहुत अच्छी है। साथ में अगर आप ये देखते हैं तो इसके अंदर भी पूरा ध्यान रखा गया है कि छोटी छोटी चीजें आप इसके अंदर रख सकते हैं LCD पैनल के अंदर, क्योंकि बेडरूम के अंदर काफी चीजें होती हैं उसके साथ। और फिर साथ में पूरी की पूरी जो है नीचे से लेके ऊपर तक की हाइट की पूरी कबज है, दो कबज है, और दोनों कबज के दरवाजे इजिली खुल सकते हैं क्योंकि आपका बेड यहाँ तक आने वाला है। और इसके साथ हम देख रहे हैं यहाँ पर एक अटैच बाथरूम, अटैच वॉशरूम के साथ हमें देखने को मिल जाता है कि अटैच वॉशरूम काफी बड़ा है, और ये वाले साइज के साथ हमें बेडरूम 125 गज के अंदर मिलते नहीं है, राइट। और जैक्वार की फिटिंग्स है सारी, और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो गारंटी कार्ड के साथ हमारा सारा कुछ अवेलेबिलिटी है इसके अंदर। और अगर इस साइड पे जाएंगे तो पीछे एक वॉशिंग एरिया भी है, और वॉशिंग एरिया के साथ आपको अटैच मिलता है ये बेडरूम, पीछे आप वॉशिंग वगैरह कर सकते हैं। और यहाँ से हम चलते हैं अपने दूसरे वाले बेडरूम की तरफ, और यहाँ पर भी फीचर वॉल दी गई है। इस वॉल के अंदर थोड़ा सा यूनिक, क्योंकि हर बेडरूम की अपनी अपनी स्टाइल और अपना अपना एक थीम चल रही है, तो इसके अंदर सारा ग्रे थीम चली है। इसी तरह से इसकी जो कबज है इसमें भी कोई एक यूनिक डिजाइन हुआ है, जो ऐसा दूर से देखने में लग रहा होगा कि एक पत्थर का हुआ हुआ है, विच इज लुकिंग वेरी गुड। और ये स्लाइडर में दिया गया है, वहां पर दूसरे बेडरूम के अंदर डोर वाली थी, यहाँ पर ये स्लाइडिंग वाली, और पूरी की पूरी नीचे से ऊपर तक पूरी जगह यूज की है, और उसके साथ ही मैचिंग यहाँ पर जो LCD पैनल है वो भी इसके साथ मैचिंग ही दिया हुआ है। और यहाँ पर एक फुल लेंथ की UPVC की विंडो दी हुई है, और इसके साथ हमारा अटैच बाथरूम भी आ जाता है। अटैच बाथरूम का भी जो अंदर सारा का सारा जो टाइलिंग वर्क किया हुआ है फ्लोर पे, वॉल्स पे, बहुत अच्छा इस कमरे की जो थीम थी उसी के साथ मैचअप हुआ हुआ है।
इसके अंदर जो है टर्कोइज ग्रीन और डार्क ग्रीन कलर का और ग्रे का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, विच इज लुकिंग वेरी गुड। घर छोटी छोटी चीजों की जो बारीकियां होती है उनके साथ बनता है। यहाँ पर अभी लाइट देखिए, इट्स अ यूनिक थिंग। और ये वाली प्रॉपर्टी अगर आपने नहीं देखी 125 गज की विकासपुरी में, तो फटाफट से आ जाइए, क्योंकि ये वाली प्रॉपर्टी में अपर ग्राउंड टॉप फ्लोर दोनों अवेलेबल है। प्रॉपर्टी विजिट करनी है तो नीचे दो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, कॉल कर लीजिए। एज ऑलवेज आई विल इंसिस्ट यू, क्योंकि ये आपका होने वाला घर हो सकता है, तो फोन उठाइए और इस नंबर को कॉल कीजिए और हमारे साथ अपॉइंटमेंट बना के आइए और इस घर को फील कीजिए, टच कीजिए।